ये कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से वोट देने का अधिकार वापस ले लिया गया है। आजम खान का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से आजम खान का नाम काटा। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद और 6,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी और उसके अगले दिन 28 अक्टूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। और मानस हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट आजम खान को लेकर, पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ इस तरह की खबरें आ रही हैं और कार्रवाई भी हुई है और ये आई थिंक सबसे बड़ा झटका है आजम खान को। देखिए, एक याचिका बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसमें इस बात की अपील की गई थी, चूंकि आजम खान सजायाफ्ता हो गए यानी दोष सिद्ध हो गए, ऐसे में उनका जो नाम है वो मतदाता सूची से काट दिया जाए। तो ये एक पत्र मिला है जिस जो 11/11/2022 यानी 11 नवंबर 2022 का है, जिसमें लिखा हुआ है निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र। तो उसमें जो हवाला दिया गया है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का हवाला देते हुए उसकी कुछ उपधाराओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो सजायाफ्ता हो गए, दोष सिद्ध हो गए, इसलिए उनका नाम उस लिस्ट से काटा जा रहा है। ये अभी लेटर जारी हुआ, हमने बीजेपी नेता आकाश सक्सेना से फोन पे बात की इस खबर की पुष्टि के लिए कि क्या ये खबर सही है, जो कि याचिका आपने ही दायर की थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सही है और अभी भी उनको भी जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है। आजम खान, जिनको पहले ही हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हो चुकी, उनकी विधायकी रद्द हो चुकी है और उन्हीं की सीट पर ही उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में अगर मतदाता सूची से उनका नाम भी कट जाता है तो अपने आप में। धन्यवाद मानस। हेट स्पीच के मामले में पहले ही 3 साल की सजा हो चुकी है और अब वोटर लिस्ट से भी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम कट गया है।